हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो पोस्टमैन नॉन डिलीवरी वाले आर्टिकल्स पे जो रिमार्क्स लगाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रिमार्क्स वहाँ पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिंग के टाइम पे कस्टमर को परेशानी तो होती है वहाँ पे उसका एग्जैक्ट रिमार्क ना होने की वजह से, जिससे वो बाद में कंप्लेंट लेके आता है पोस्ट ऑफिस में। साथ ही जो पोस्टमैन का रिटर्न लेता है उस पीए को भी बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए अच्छे से स्टैंडर्ड रिमार्क वहाँ पर डालें। तो आज हम वो रिमार्क्स की डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आर्टिकल्स का डिस्पोजल देखने वाले हैं रिमार्क्स के हिसाब से उन आर्टिकल की क्या सिचुएशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्यूज्ड का रिमार्क्स है, तो ये रिमार्क पोस्टमैन को तब डालना है जब पोस्टमैन डिलीवरी के लिए जाएगा और जिसके नाम का आर्टिकल है वो उससे पर्सनली मिलेगा और वो उसको मना कर दे आर्टिकल लेने से कि मैं ये आर्टिकल नहीं एक्सेप्ट करूँगा, तो उस केस में पोस्टमैन को ये रिफ्यूज्ड का रिमार्क वहाँ पे डालना है और ऐसे लेटर को उसी टाइम पर रिटर्न टू सेंडर या फिर रिटर्न लेटर ऑफिस में भेज देना है। तो चलिए दूसरे रिमार्क की बात कर लेते हैं, नॉट नोन। ये रिमार्क तब आएगा जब पोस्टमैन आर्टिकल को लेके उस एड्रेस पे गया जो एड्रेस आर्टिकल पे लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे जिसके नाम से जो एड्रेसी है, जिसके नाम से लेटर आया है, वो वहाँ पे ना रहता हो और जो साथ की लोकेलिटी है उसको भी उसके बारे में ना पता हो, तो ऐसे लेटर में नॉट नोन का रिमार्क मारना है और ऐसे लेटर को 7 दिन के लिए डिपॉजिट में रखना है और 7 दिन के अंदर कोई क्लेम करने को नहीं आता है तो ऐसे लेटर को भी रिटर्न टू सेंडर या फिर RLO को भेज देना है। थर्ड जो रिमार्क है उसके बारे में देख लेते हैं, लेफ्ट इंडिया। ये रिमार्क जब आएगा जब पोस्टमैन डिलीवरी करने के लिए एड्रेस पे जाएगा और जिसके नाम से वो आर्टिकल आया है वो उसके बारे में पता चले आसपास से कहीं से भी कि वो देश छोड़ के चला गया है बिना किसी को बोले, तो ऐसे केस में लेफ्ट इंडिया का रिमार्क वहाँ पर डाल देना है और इस केस में भी लेटर को वापस रिटर्न टू सेंडर कर देना है या फिर रिटर्न लेटर ऑफिस जो है उसमें भेज देना है इमीडिएटली, कोई डिपॉजिट में नहीं रखना है ऐसा आर्टिकल। तो फोर्थ हमारा रिमार्क है लेफ्ट का, तो ये रिमार्क तब डालना है जब पोस्टमैन उस एड्रेस पे गया और उस एड्रेस पे ऐसा उस नाम का कोई भी बंदा ना रहता हो और आसपास में पूछने पर, लोकेलिटी में पूछने पर पता लगा कि उसने देश तो नहीं छोड़ा है लेकिन इधर उधर किधर किसी और एड्रेस पे रहता है और उस नए एड्रेस के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ऐसे केस में लेफ्ट का रिमार्क मारना है और आर्टिकल को डिपॉजिट में रखना है 7 दिन के लिए और 7 दिन के अंदर कोई क्लेम करने को नहीं आता है, लेटर को लेने नहीं आता, तो उसको 7 दिन के बाद में रिटर्न टू सेंडर या फिर RLO जो हमारा ऑफिस है रिटर्न लेटर ऑफिस उसमें भेज देना है। तो फिफ्थ रिमार्क है इनसफिशिएंट एड्रेस का, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। ये रिमार्क जब आएगा जब एड्रेस कंप्लीट ना हो, यानी कि एड्रेस में सिर्फ नाम लिखा हो और उसके आसपास की कोई जगह नियर वगैरह कुछ ना लिखा हो, स्ट्रीट का नाम नहीं लिखा हो, हाउस नंबर लोकेलिटी कुछ नहीं डाला हो, तो ऐसे लेटर को भी तुरंत रिटर्न टू सेंडर या फिर RLO में भेज देना है। आइए बात कर लेते हैं सिक्स्थ जो हमारा रिमार्क है अनक्लेम्ड का। ये रिमार्क तब डालना है जब पोस्टमैन एड्रेसी के पास जाएगा, उसके एड्रेस पे जाएगा और वहाँ पे कोई ना मिलने की वजह से वहाँ पे इंटीमेशन छोड़ के आएगा, इंटीमेशन जो स्लिप होती है, और वो इंटीमेशन देने के बाद पोस्टमैन उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में वापस ले आएगा और फिर जो इंटीमेशन के बाद का टाइम है, जो प्रेस्क्राइब टाइम है 5 दिन 6 दिन 7 दिन, उस दिन के अंदर अगर उसको आर्टिकल को कोई क्लेम करने को नहीं आता है तो ऐसे आर्टिकल को ही अनक्लेम्ड का रिमार्क डाल देना है और वापस सेंडर को भेज देना है या फिर RLO को भेज देना है। आइए बात कर लेते हैं ये सातवें रिमार्क की, एड्रेसी एक्सपायर्ड जो डिसीज्ड करके है। ये रिमार्क तब आएगा जिसके नाम से लेटर आया है वो पार्टी एक्सपायर हो गई हो, तो ऐसे आर्टिकल को भी रिटर्न टू सेंडर या फिर RLO इमीडिएटली भेज देना है। एक और केस है, अगर पोस्टमास्टर चाहे तो ऐसे आर्टिकल की डिलीवरी करवा सकता है उसके नियरेस्ट रिलेटिव को, जो डिलीवरी कराएगा पोस्टमास्टर वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के बाद में डिलीवरी करा सकता है। आठवां रिमार्क है रीडायरेक्शन का। रीडायरेक्शन का रिमार्क जब आता है जब एड्रेसी अपने इंस्ट्रक्शन छोड़ के जाता है पोस्ट ऑफिस में कि मेरा ये आर्टिकल है कुछ टाइम के लिए आप ये मेरा एक पता है इस पर डिलीवर कराएं। ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, टेम्प्रेरी इंस्ट्रक्शन और परमानेंट इंस्ट्रक्शन, इनके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो नोवा जो रिमार्क है वो इंटीमेशन का है। इंटीमेशन का रिमार्क जैसे कि मैंने अनक्लेम्ड वाले में भी बताया था, जब पोस्टमैन आर्टिकल को डिलीवरी करने के लिए उस एड्रेस पे जाएगा और एड्रेस ही वहाँ पे ना मिले या फिर उसका डोर लॉक मिले, तो ऐसे आर्टिकल को डिपॉजिट में रखते हैं 7 दिन के लिए और इंटीमेशन स्लिप वहाँ भेज देते हैं, उनके घर में डाल देते हैं इंटीमेशन स्लिप। तो उस टाइम पे इंटीमेशन का रिमार्क वहाँ पे डालना है। लेकिन अगर आर्टिकल केयर ऑफ पोस्टमास्टर करके आया हो, पोस्ट रिस्टेंट करके आया हो, तो ऐसे आर्टिकल को डिपॉजिट में 1 महीने तक रख सकते हैं वीपी आर्टिकल्स को छोड़ के, और बाद में अगर कोई क्लेम करने को ना आए तो वापस से रिटर्न टू सेंडर आरएलओ भेज देते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिमार्क्स। तो कृपया जो भी पोस्टमैन है या फिर मेल पीए हैं इसी रिमार्क्स का यूज करें ताकि कस्टमर्स को या किसी और को भी ट्रैकिंग में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।